हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मैंगो डेजर्ट की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है और घर में रखे कुछ सामान से ये बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको भी अगर कुछ ठंडा ठंडा मीठा खाने का मन करे तो आप ये डेजर्ट बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस ठंडे ठंडे मैंगो डेजर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 आम। ये बहुत ही मीठे वाले पके हुए आम हैं, तो वो मैंने ले लिया। आपके पास जो भी आम है वो ले ले। अब हमें इसे छील के इसका पल्प निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों आम का पल्प निकाल लिया। यहाँ पे मैंने पल्प को अच्छे से पीस लिया, इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे 2 कप दूध। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में दूध को डाल लिया है। अब इसे हमें गर्म करना है। दूध पहले से उबाल के रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसे गर्म कर ले। लेकिन अगर आपका दूध कच्चा है तो पहले इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे, जिससे कि हमारा जो डेजर्ट है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो कच्चा दूध में ना बनाए, पहले दूध को उबल जाने दें। यहाँ पे मैंने दूध को उबाल के पहले से रख रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो दूध फट ना जाए इसके कारण। तो यहाँ पे मेरा जो दूध है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी आम के मीठेपन पर डिपेंड है कि आम कितना मीठा है या खट्टा है। तो हम मैंने ले लिया है 1/4 कप चीनी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए चीनी को हम पहले घुला लेंगे। चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब हमें दूध में उबाल आने देना है। जब दूध उबल जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच दूध, मतलब इतना दूध डालना है जिससे कि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए कस्टर्ड में, नहीं तो आगे का आपका जो मैंगो डेजर्ट है वो ख़राब हो जाएगा। गुठली गुठली सी लगेगी, फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर सारा जो कस्टर्ड है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे साइड कर लेते हैं और दूध को उबल जाने देते हैं। इधर दूध में भी उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा है। थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए एक हाथ से और एक हाथ से मिक्स करते चले जाएंगे। अगर आप बिना मिक्स करते हुए जाएंगे तो गुठलियाँ जो है पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा ना हो जाए। डिपेंड करता है कि दूध जो है वो उसमें अगर ज़्यादा पानी की मात्रा होगी तो कस्टर्ड को गाढ़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो गया। चेक करने के लिए स्पैचुला पे आप एक डरीर बनाएं, जिससे क्या होगा कि अगर ये नहीं फैलेगा यानी कि हमारा जो कस्टर्ड है वो बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इस कस्टर्ड को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। साथ ही हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। चाशनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो डेजर्ट है वो मीठा नहीं होगा अगर हम इस चाशनी को नहीं बनाएंगे तो। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और साथ ही 2 कप पानी हम डाल देंगे। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इतनी चाशनी हमें बनानी है जिससे कि हल्की सी चिपचिपी हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 इलायची के। इलायची को मैंने यहाँ पे क्रश करके और डाल दिया है। इस डेजर्ट में अच्छा सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जो मैंगो कलर होता है वैसा ही डालना है, जिससे कि हमारा जो डेजर्ट है बहुत ही अच्छा कलरफुल बनेगा। तो फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि ये देखने में सुंदर लगेगा। अब हमें अच्छे से पानी में चीनी को मिक्स करना है, जिससे कि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। हमें बहुत ज़्यादा देर चाशनी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब 1 से 2 मिनट हम इसे पका लेंगे, जिससे कि सिर्फ चीनी जो है वो चिपचिपी सी हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, हमारी चाशनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। हल्की सी चिपचिपी हुई, जैसा तेल होता है वैसा हमें चिपचिपा चाहिए। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं और कस्टर्ड और चाशनी दोनों को एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब हम आगे का जो मैंगो डेजर्ट है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर कस्टर्ड एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आम के पल्प को पीस के रखा था। अब आम के पल्प और कस्टर्ड को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि आम का पल्प जो है कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा जब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप। तो खूब अच्छे से फेंट लेना है इसे, कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है।
आप चाहें तो इसे विस्कर से भी फेट सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप इसे मिक्सी के जार में डाल के भी और अच्छे से फेट लेंगे, तब भी हमारा मैंगो पल्प जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा कस्टर्ड में। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे साइड कर लेते हैं और हम डेजर्ट की तैयारी करते हैं। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 व्हाइट ब्रेड। जितनी क्वांटिटी में, जितना बड़ा आप डब्बे में इसे सेट करेंगे उतना आपका ब्रेड लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 ब्रेड ले लिया और इसे इसके साइज जो है वो इस तरीके से हमें काट लेने हैं। जितने भी ब्रेड लगेंगे उसके साइड काट लेने हैं। एक बर्तन ले लेना है, उसमें पहले आप नाप लें कि कितना ब्रेड लगता है। तो यहाँ पे हम पहले 4 लिए हैं, इस चारों का हमें साइड काट के हम रख लेते हैं। चारों ब्रेड मैंने काट लिए हैं। अब एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमें इस डेजर्ट को सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो मिठाई के डब्बे वाला आता है वो मेरे पास है, वो मैंने ले लिया। आपके पास अगर ग्लास वाला कंटेनर है वो आप ले लें, उसमें भी आप इस डेजर्ट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रेड को सेट कर लेना है, जिससे कि हमारा एक लेयर हमें तैयार कर लेना है पहले ब्रेड से। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने हल्का सा काट दिया और इसके साइड्स बचे हुए हैं, साइड में भी हमें ब्रेड को लगा लेना है। तो इस डेजर्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक लेयर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि चाशनी हमारी एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसके ऊपर से हमें चाशनी डाल देनी है, जिससे कि सारा ब्रेड जो है वो चाशनी में डूब जाए। इस तरीके से हम फैलाते हुए चाशनी डाल देंगे। सारी तरफ ब्रेड के जो चाशनी है वो लग जानी चाहिए, नहीं तो कहीं मीठा कहीं मतलब फीका आपको ये डेजर्ट लगेगा। ये मैंने अच्छे से हर तरफ से चाशनी लगा ली है। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे जो मैंगो को हमने कस्टर्ड में फेंट के रख रखा है। एक लेयर हमें इसकी लगानी है। इस तरीके से फैलाते चले जाएं। अब फिर से हमें एक लेयर जो है वो ब्रेड की लगा लेनी है। उसी तरीके से लगा के और फिर से हमें इसके ऊपर से चाशनी डालनी है। यहाँ पे मैंने फिर से एक लेयर ब्रेड की लगा ली है, इसके ऊपर से चाशनी डाल देंगे। चाशनी डालने के बाद फिर से ऊपर से हम कस्टर्ड डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो डेजर्ट है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें फैला के डाल देना है कस्टर्ड को। फ्रेंड्स, आप ये मैंगो डेजर्ट ज़रूर बनाएं, आम का सीजन है और आम हर किसी को पसंद होता है। अगर आप इस तरीके से बना के खाएंगे तो बार बार आपको घर में फरमाइश की जाएगी कि आप ये ज़रूर बनाइए, हम खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो अच्छे से मैंने कस्टर्ड को फैला लिया है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो काजू, पिस्ता, बादाम या तो ड्राई फ्रूट से सजा लें, या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट से सजा लें, या फिर मैंगो से सजा लें, वो टोटली आप पे डिपेंड है। तो इसे सजाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से थोड़े से काजू, पिस्ता, बादाम से हम इसे सजा लेंगे। आप चाहें तो मैंगो क्यूब से भी सजा सकते हैं, तो वो टोटली आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने काजू, पिस्ता, बादाम से इसे सजा लिया। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे कि डेजर्ट जो है बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो 3 घंटे बाद मिलते हैं। 3 घंटे हो गए इस डेजर्ट को फ्रिज में रखे हुए, डेजर्ट जो है एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। मैं इसे काट के दिखलाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी देखने में तो लग ही रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिससे कि मेरी वीडियो की रीच जो है वो आगे तक जाए। तो आप भी इस मैंगो डेजर्ट को बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये मैंगो डेजर्ट की रेसिपी कैसी लगी।